कैसे हुआ कुछ पता है? आपसे नजदीक कोई था नहीं, डॉक्टर होगा तो वो डॉक्टर आपको देखा भी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा देखने वाले आप ही, आप बताओ कि कैसे हुआ, नहीं तो हम बता देंगे क्या हुआ, लेकिन आप पहले बताओ, हम जाने की खुद के बारे में। ये आप है, आप पहले से शुरू थोड़ा थोड़ा हो गया। बिल्कुल, आप सोचो पहले कि क्यों हुआ, आप शरीर के साथ जाति क्यों करते थे? आप शरीर को शरीर नहीं समझते, मुफ्त का चीज समझते। देखो अब फिर देंगे, फिर मुफ्त का समझोगे, फिर ऐसा ही होता है। इस शरीर को समझो कि ये तुम्हारी पूंजी है, दुनिया में जो चीज देख रहे हो इस शरीर है तभी तक देख रहे हो, ये शरीर नहीं, ये दुनिया नहीं या कोई संबंध नहीं। तो शरीर को शरीर कहा नहीं समझते समझ, तब बताओ इतना बड़ा बड़ा कमर पे लोड देने का क्या मतलब होता है? थोड़ा सोचो, एक गाड़ी 10 टन पास है और 12 टन माल लोड की, क्यों लोड किए? 10 लाख की गाड़ी है, मैंने कही तो 10 लाख की गाड़ी बर्बाद कर दे, टूट जाएगी है ना। तुम्हारी उम्र भी है, अब उम्र भी वो नहीं है जो तू सोचते हो, लेकिन तू सोचते गलत, शरीर को गलत सोचते। पहले तो पेट जाम हुआ शुरुआत में, उसके बाद कमर जाम हुआ, फिर ये हाल हो गया, कमर बीच है, ये बीच है, ये बांधता चला गया तुम्हारा, तो जब डोरिये बंध गया तो तुम खड़ा कैसे हो गए? आजाद दुनिया में कहीं भी इलाज कराने जाओगे तो तुम्हारे इसका 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 इलाज होगा, लेकिन इसका इलाज नहीं होगा। बैल का भी उठा पकड़ लेता है तो बैल बैठ जाता है, इसी तरह मनुष्य का नाम पकड़ लेता है तो आदमी सिकुड़ जाता है। तो तुम नाम पर इतना बल देने का क्या? मैं तो सोच के परेशान हूं, अब देखेंगे क्या तो सब लोग देखेगा, जितने लोग आए सब देखेगा कि आपने शरीर के साथ क्या क्या घूम रही है। शरीर ऐसा नहीं था, भगवान ने बना के दिया था, शरीर बना के दिया जिसमें आप जी रहे। ये मकान को छोड़ने का क्या मतलब, थोड़ा मारने का क्या मतलब हुआ? ये मकाने नहीं रहेंगे तो आप किसे रहोगे? तो बिल्कुल मकान है, तो इस मकान को आपने तहस नहस कर दिया। अब देखिए तहस नहस कहाँ कहाँ कर दिया, कहाँ का नेव का ईटा खींच दिया, कहाँ ऊपर का नीचा खींच दिया, कहाँ बात कभी खोलो खोलो वो तो दिखाई देगा ना, हमारे यहाँ तो कोई चीज दिखाई देती है कि वो बीमार पड़ा, और जगह कहीं जाओगे तो कोई नहीं, वो तो बोलोगे ये हुआ तो उसका ये सुई, आइए हुआ कि उसका टेबलेट, और ज्यादा हुआ तो बोलेगा चलो तुमको फाड़ लेते हैं, हथियार लेकर बैठा ऐसी तुम्हें हो काटते जाए पैसा लेते जाए, तुम्हारा पैसा भी खत्म हो जाए, तुम भी खत्म हो जाए। लेकिन मेरा काम यह नहीं, मेरा काम है तुम्हें शरीर बख्शीश में देना। अरे बैठ गए फिर से खड़ा हो जाओगे, फिर बदमाशी करोगे, फिर हम नहीं जाते, बात समझ। हमारा काम है देना, लेकिन आपका काम है उसको रख रखाव करना। नई गाड़ी खरीद के आए और उसका रख रखाव नहीं करोगे तो उस गाड़ी का क्या मतलब होगा? उठा पहले
थोड़ा सा और उठाओ, चलो मेरे YouTube के व्यूअर्स, आप लोगों को मेरा हार्दिक वंदन है। ये एक पैरालिसिस का केस है जो लोकल से ही आया है। इसके साथ तीन बूढ़े लोग आए हैं, इसको उठा करके लेके चलना पड़ता है जैसे कोई सामान हो। एक आदमी को उठाकर सामान की तरह लेकर चलना कितना दुर्दिन है। और इस बीमारियों में ज़्यादातर लोग खुद की गलतियों से आहत होते हैं, खुद के शरीर से खुद ही गलती करके आहत होते हैं। हो सकता है अनविज्ञता के कारण हो सकता है कि वो अखड़पना उसमें हो, नहीं करेंगे क्या होगा देखेंगे, हो सकता है शौक के कारण हो। ये बीमार पड़ा खुद की स्वभाव के कारण ही, नहीं तो आंत लॉक होने का कोई कारण नहीं बनता। आंतों के लॉक होने से, आंतों के जम जाने से पूरा का पूरा अंग शिथिल हो जाता है, आदमी मरणासन्न हो जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। हमारा बॉडी का पहला ऑर्गन है नाल। नाल जो माँ के गर्भ में पहले एक्सप्लोड हुआ और उससे सजीव एक आकृति बनी जिसको हम आज अपने नाम से जानते हैं। और सारी अंगों की कनेक्शन नाल से लगी हुई है, नाल से संचालित होती है और वो मेरा मिडिल फोर्स भी है। थोड़ा भी लोड का गड़बड़ी होने से तुरंत अंगों पर विकृति आना शुरू हो जाता है और इसने ऐसा ही किया। मैंने उसको बोला भी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं हो तो पहले उसको बोला भी कि देख भाई बुज़ुर्ग हो लेकिन आपने गलती की जिस गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ा। फिर नापा जोखा दिखाया लोगों को, दिखा लेने के बाद मेरा प्रोसेस जो है उसके हिसाब से मैं जब अपने वर्किंग प्लेस पर ले गए बेस पर, तो बेस पर उसको हमने मॉडिफाई किया ढंग से, फिर रीएक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मैंने कहा कि भाई अब खड़ा करो, खड़ा तो अपने भी नहीं हो पाएगा, खड़ा होने के लिए इसको टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को भूल गया, बहुत समय लगा दिया और ये स्नेह स्नेह हुआ तो वो सब जगाना पड़ेगा। मेन चीज़ है थोड़ा सा बल लगा के देखो, पहले जो बल लगा रहे थे अब बल लगा रहे हो, दोनों में क्या कितना डिफरेंस आया। तो लोगों से मैंने जो उनको हैंग करके चल रहे थे उनसे पूछा तो बताए कि 80% हल्का हो गया, थोड़ा सा बल लगाने से खड़ा हो गया। अब वो पैर रखने में डर रहा है क्योंकि उसके अंदर वो मोशन है ही नहीं। अब उसको ये बताना पड़ रहा है कि दाहिना रखो बायां रखो, हम बोले जो डैमेज है उसी को उठा के रखो, तो बोलता है दोनों डैमेज है, हम बोले कि जिसको मन करता है उसी को उठा के रखो। फिर वो एक स्टेप है, उस स्टेप पर वो पैर को उठा के रखा, हम बोले अब इसको सीधा करो, इस पैर को सीधा करो, नहीं कर रहा। फिर उसके एक आदमी से बोले कि इसके पैर के घुटने को थोड़ा सा दबाओ, जब दबाया तो खड़ा हो गया, खड़ा होकर के इस पार आ गया। आ जाने के बाद फिर खड़ा करके उसको लाया गया और टेप बैठाया कुर्सी पर चौकी पर अपने बोर्ड पर, और फिर उसको नापा। नापने के बाद सब लोगों को दिखाया, फिर हम बैठने उठने सिखाया कि देखो भाई अब अपने उठे बैठोगे, अब दूसरे लोग उठाए बैठाएंगे नहीं, तुम्हें तो लोगों ने सहायता करके डैमेज कर दिया। प्यार भी हत्या है, प्यार अपने सीमा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो प्यार में अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा,
काया उसका बिगड़ जाएगा। तो ये लोगों ने उसको ये दिखाया कि भाई हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसको विकलांग बना दिया। हम बोले कि देखो आप पैर अपना रखने सीखोगे, अपने पैर को सीधा करने सीखोगे, खड़ा होगे बैठोगे, इतना काम आपका रहा। और इस सब बातों के साथ मैंने उसके विदा किया। आज के YouTube पर मेरा आप सबों को धन्यवाद। आपने गाठिया साठी का बात यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ एक मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा, जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।